नमस्कार, आप देख रहे हैं त्रुत लाइव न्यूज नेटवर्क। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा के कृष्णा टोली वार्ड नंबर 2, जहां 17 वर्ष से स्कूल मंदिर में चलाया जा रहा था, उनको मंदिर में पढ़ाने की जरूरत नहीं रही। स्कूल के लिए 13 डिसमिल जमीन महंत ब्रजेश मुनि महाराज ने दान में दे दिया है और वहां के ग्रामीणों ने मंदिर में भगवान शिव, राधा कृष्ण और हनुमान जी की भी मूर्ति की स्थापना कर ली है। अब मंदिर में स्कूल चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक भवन का निर्माण नहीं हो जाता तब तक एक खपरा फरोश घर में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जिसका उद्घाटन भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने फीता काटकर किया। तिरुत लाइव के लिए संवाददाता प्रवीण कुमार राहुल की रिपोर्ट। संत कबीर साहब का यहाँ मठ है और उसके महंत आदरणीय ब्रजेश मुनि जी यहाँ आए हैं और इनके यहाँ के समाज के लोगों ने इनसे आग्रह किया था कि हमारे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए जमीन में, जिस कारण से भवनहीन है, अगर आप जमीन दान में देते हैं हमारे बच्चों के लिए भवन हो जाएगा और बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो जाएगा। और ये इनको ने स्वीकार किया और यहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझसे बात भी किया कि मंत्री जी आपके कहने से और खाने से ये कार्यक्रम सफल हो जाएगा। उसी में सफलता हम लोग प्राप्त हुई है और पहले औराई में भी एक दाता ने अपने माता पिता के नाम पर दिया है और कबीर साहब पूरे विश्व के बड़े संत गुरु थे, उनके नाम पर यह विद्यालय का दान होगा, राज्यपाल महोदय के नाम से दान होगा। अभी एग्रीमेंट करके सहमति पत्र देके जा रहे हैं और ये बना हुआ इनका जो खपरेल मकान है वो भी उन्होंने दान में दिया, इस विद्यालय चलेगा और जब फंड की व्यवस्था हो जाएगी नए भवन का निर्माण कराया जाएगा, जिससे कि आने वाले नौनिहालों का भविष्य उज्ज्वल होगा। विशेष करके पटना दौड़े हमारे जो है 2 नंबर वार्ड के जो है बच्चे लोग बहुत जो चलता रहा उसमें मंदिर बन गया। आप कृपा कीजिए तो मठ का जमीन जो है हम आज से 12 डिसमिल जमीन देने का हमने वादा किया था, 12 डिसमिल जमीन दे दिया गया और आगे कार्रवाई होगी, बच्चा सब पढ़ेगा। लेकिन मंत्री जी अभी बोले हैं जो 13 डिसमिल जमीन आपको और बढ़ा दिया जाएगा हो जाएगा, लेकिन उसको ढंग से मंत्री जी भी कहें कि वहाँ बढ़िया शौचालय बने, स्नान घर बने, अच्छा मतलब कि बच्चा सबका शिक्षा बढ़िया मिले, क्योंकि इस पर भी ध्यान देना चाहिए शिक्षा पदाधिकारी को भी।